हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 4। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाली माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 2023 का स्पेशल वीडियो है, यानी ये सारे क्वेश्चन 2023 में आने के चांसेस ज्यादा है। इससे पहले मैंने एक साल पहले, ठीक है, 2022 का लिए भी जो सजेशन मैंने डाला था, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलेगी और बहुत सारी इस वीडियो में कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जानने से पहले, और शॉर्ट क्वेश्चंस का क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देख लेना, आपको बहुत सारे नए शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़े से अलग भी मिलेंगे। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख लेना। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4। ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, स्टार्ट हम लोग करेंगे एमसीक्यू से। एमसीक्यू 1 मार्क करके आता है। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेट रिवॉल्ट स्टार्टेड इन, बोल रहा है जो ग्रेट रिवॉल्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था। तुम लोग जानते हैं 1857 में, ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में स्टार्ट हुआ था, इसका नाम ही है ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट रिवॉल्ट, बोल रहा है जब वो रिवॉल्ट हो रहा था 1857 में, तो उस वक्त का गवर्नर जनरल कौन था इंडिया में, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये फर्स्ट वाइसरॉय भी थे। ठीक है, क्योंकि 1857 के बाद 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन आता है, जिसके जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली जाती है। ठीक है, और पावर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती है। ठीक है, मतलब कंपनी के हाथ में नहीं होती, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगैन इन, बोल रहा है ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो शुरू एक्चुअली में कहां से हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी मीरठ में। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 से। ठीक है, 10th May 1857 में ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का शुरुआत होता है, और जो जिस जगह से शुरुआत होती है वो जगह है मीरठ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, द नॉवेल गोरा वॉज रिटन बाय, बोल रहा है एक नॉवेल है जिसका नाम है गोरा। ठीक है, ये नॉवेल गोरा किसने लिखा है, ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान भारत वॉज रिटन बाय, वर्तमान भारत को किसने लिखा है, वर्तमान भारत को लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आनंद मठ वॉज रिटन बाय, आनंद मठ को किसने लिखा है, आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और इसी आनंद मठ के अंदर लिखा हुआ है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो एक पोएम है, ठीक है, वो आनंद मठ के अंदर ही लिखा हुआ है वंदे मातरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, बोल रहा है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है। ठीक है, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर जो एक किताब है वो किसने लिखा है, वो लिखा है वीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, द जमींदारी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय, बोल रहा है जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, मतलब उसको फाउंडेशन किसने किया है, जमींदारी एसोसिएशन का फाउंडेशन जो किया है वो है राजा राधा कांता देव ने। ठीक है, राजा राधा कांता देव ने जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की बुनियाद रखी उसकी। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन, बोल रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, उसका फाउंडेशन कब हुआ, तो इंडियन एसोसिएशन बना है 1886 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द जमींदारी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन, जमींदारी एसोसिएशन कब बना, जमींदारी एसोसिएशन बना 1835 में। क्वेश्चन नंबर 11, द हिंदू मेला वॉज स्टार्टेड इन, हिंदू मेला कब हुआ है 1867 में। क्वेश्चन नंबर 12, द भारत माता पेंटिंग वॉज अ क्रिएशन ऑफ, देखिए भारत माता एक पेंटिंग का नाम है, ठीक है, उस जमाने में बनाया गया था, बोला था भारत माता पेंटिंग बनाया किसने था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि उस टाइम के एक फेमस पेंटर भी थे। ठीक है, तो भारत माता की जो पेंटिंग है वो बनाई थी अवनींद्रनाथ ठाकुर ने, या टैगोर कह लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द सेपियो म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज रिटन बाय, बोल रहा है सेपियन म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आरसी मजुमदार ने। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन कैलकाटा वॉज, कैलकाटा में जो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन था, तो कैलकाटा में जो सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो था बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाया, लेकिन उससे पहले बंगा भाषा प्रकाशिका सभा था एकमात्र पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैलकाटा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी
कब फाउंडेशन हुआ, तो ये हुआ 1839 में। क्वेश्चन नंबर 16, द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना तो है 1839 में, लेकिन इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया है विलियम एडम ने। ठीक है, विलियम एडम ने बनाया है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को। क्वेश्चन नंबर 17, द पूना सार्वजनिक सभा वॉज एस्टेब्लिश इन। पूना सार्वजनिक सभा ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, कब ये बना है, तो ये बना है 1870 में। ठीक है, 1870 में यानी 1870 में बना है पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द पूना सार्वजनिक सभा वॉज एस्टेब्लिश बाय। अब सार्वजनिक सभा जो था पूना सार्वजनिक सभा, इसको एस्टेब्लिश किया था किसने। ठीक है, तो इसके एस्टेब्लिश किए थे एमजी रानाडे ने। ठीक है, एमजी रानाडे ने इसकी स्थापना की थी पूरा पूना सार्वजनिक सभा को। क्वेश्चन नंबर 19, द हिंदू मेला वॉज फाउंडेड बाई। हिंदू मेला को का फाउंडेशन किसने किया था। ठीक है, तो हिंदू मेला का फाउंडेशन किया था नवा गोपाल मित्रा ने। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश बाय। इंडियन एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किसने किया था, कब किया था, ये तो मैंने अभी पीछे बता दिया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने, तो वो किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट किया था, उनका स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कब मतलब हुआ था, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 1883 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो रहा था तो उस वक्त मुगल एम्पायर कौन था। ठीक है, जैसे ये पूछ लेता है कि उस वक्त का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। उसी तरह से उस वक्त मुगल एम्पायर कौन था, और वही मुगल एम्पायर लास्ट एम्पायर था। ठीक है, तो वो था बहादुर शाह टू। ठीक है, बहादुर शाह टू उस वक्त का मुगल एम्पायर था, और वही लास्ट एम्पायर रहा, उसके बाद से मुगल शासन खत्म हो चुका था। ठीक है, मुगल खानदान का ये आखिरी शासक था। ठीक है, आखिरी शहनशाह था, एम्पायर था। क्वेश्चन नंबर 23, नाना साहेब एंड तांतिया टोपे लीड द रेबल्स ऑफ 1857 इन द। बोला तांतिया टोपे और नाना साहेब ने जो मतलब जो क्या बोलते हैं रेबल्स, यानी जो लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, तो वो लीड कर रहे थे, यानी वहां के वो लीडर थे। तो कहां के वो लीडर थे, नाना साहेब और तांतिया टोपे, तो वो लीडर थे कानपुर के। ठीक है, तांतिया टोपे और नाना साहेब जो रेबल्स यानी लड़ाई करने वालों को जो इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें लीड कर रहे थे, तो वो कहां पे कर रहे थे, तो जगह का नाम लिखना था, रीजियन का नाम लिखना था, तो कानपुर रीजियन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द रेबल फोर्सेस ऑफ 1857 इन बिहार वेर लीड बाय। बोल रहा है कि रेबल फोर्सेस को लीड कर रहे थे बिहार में। ठीक है, आप देखिए कानपुर पड़ता है यूपी का तरफ में, और बिहार में कौन लीड कर रहा था रेबल फोर्सेस को, तो बिहार में लीड कर रहा था कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह लीड कर रहे थे बिहार में, जो 1857 के रिवॉल्ट में जो लोग हिस्सा ले रहे थे उनको लीड कर रहे थे बिहार में कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, द अजीमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 वाज इशूड बाय द। बोला अजीमगढ़ प्रोक्लेमेशन, अजीमगढ़ में जो ऐलाननामा हुआ था 1857 में, उसको इश्यू करने का काम किसने किया था, तो उसको इश्यू करने का काम किया था रेबल्स ने। ठीक है, रेबल्स ने अजीमगढ़ प्रोक्लेमेशन 1857 को इश्यू करने का काम किया था रेबल्स ने। क्वेश्चन नंबर 26, द क्वींस प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड ऑन। बोल रहा है देखिए 1858 में, ठीक है 1858 में आया था क्वींस प्रोक्लेमेशन, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सब 1857 और 1859। ठीक है, तो सिंपल सा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858, इसमें आया था क्वींस प्रोक्लेमेशन, और इसके जरिए बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे कि जो अब गवर्नर जनरल है उसको अब गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा बल्कि वायसरॉय कहा जाएगा। ठीक है, और जो पावर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, अब वो पावर ट्रांसफर हो जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी जो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश में जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें पूरी की पूरी जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर नहीं रहेगी। ठीक है, ये सब और भी कई सारी बातें थी क्वींस प्रोक्लेमेशन में। प्रोक्लेमेशन मतलब होता है ऐलान करना। ठीक है, वो जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने सारा ऐलान किया था, तो इसलिए इसे क्वींस प्रोक्लेमेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन। बोल रहे कि एक एक्ट था, ठीक है, फॉर द बेटर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सरकार को और अच्छी तरह से चलाने के लिए भारत में। ठीक है, वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पास हुआ था। ठीक है, वो कब हुआ था, यानी
ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था कि सरकार जिसके वजह से अच्छी चलाई जा सके वो कब पास हुआ था, तो उसको पास किया गया था 2 अगस्त 1858 में। क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द लैंड होल्डर सोसाइटी वॉज, बोला कि इनमें से कौन एक जॉइंट सेक्रेटरी थे लैंड होल्डर सोसाइटी के, ठीक है, तो वो थे प्रसन्न कुमार टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म इन अ मीटिंग हेल्ड एट, इंडियन एसोसिएशन कब बना, किसने बनाया, ये तो मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंडियन एसोसिएशन को किस सभा के अंदर ये तय किया गया था कि हाँ अब इंडियन एसोसिएशन बनाया जाएगा, ठीक है, तो वो हुआ था एल्बर्ट हॉल में, ठीक है। द इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म इन अ मीटिंग हेल्ड एट, कहाँ पर मीटिंग ये हुआ था कि उस मीटिंग के बाद ये तय हो गया कि हाँ अब इंडियन एसोसिएशन को बनाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन एसोसिएशन वॉज, इंडियन एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी कौन थे, तो वो थे आनंद मोहन बासु। क्वेश्चन नंबर 31, द हिंदू मेला वॉज फाउंडेड बाय, हिंदू मेला वॉज फाउंडेड बाय, हिंदू मेला की स्थापना किसने की, तो वो किया था नवाब गोपाल मित्रा ने। क्वेश्चन नंबर 32, वंदे मातरम वॉज अ सॉन्ग फ्रॉम द नॉवेल, वंदे मातरम जो एक गीत है सॉन्ग है वो किस में दर्ज है, ठीक है, यानी वो किस किताब में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है आनंद मठ में, और इसको लिखने का काम किसने किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता वॉज इंट्रोड्यूस इन द नॉवेल, अब भारत माता एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको किस नॉवेल में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था आनंद मठ में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, आनंद मठ में ही भारत माता का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश वॉज अ प्रोफॉलिक कार्टूनिस्ट हु ड्रू कैरिकेचर्स ऑन कंटेम्प्रेरी कॉलोनियल सोसाइटी, बोल रहा है कि उस वक्त का एक कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट बोलते हैं जो कार्टून बनाते हैं, ठीक है, कार्टून बनाने वालों को कार्टूनिस्ट कहते हैं, तो बोल रहा है कि उस वक्त का एक खास कार्टूनिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, उस वक्त का जो कॉलोनियल सोसाइटी था उसको क्या बोलते हैं, शो करने का काम किया था, तो वो कौन कार्टूनिस्ट है, ठीक है, तो वो कार्टूनिस्ट है गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, फेमस कार्टूनिस्ट है, वो कार्टून बनाने का काम करते थे इसलिए वो कार्टूनिस्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडियन लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, इंडिया लीग सॉरी इंडिया नहीं है इंडिया लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। क्वेश्चन नंबर 36, यूनिवर्सिटी मशीन इज अ फेमस कार्टून मेड बाय, यूनिवर्सिटी मशीन एक फेमस कार्टून है, उसको किसने बनाया था, तो आगे गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ये भी वन मार्क करके आता है, ठीक है, यानी एक सेंटेंस में देने वाला क्वेश्चन है, एक सेंटेंस में इसका आंसर आपको देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापक कौन था, यानी इसका फाउंडर कौन था, तो वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको ए ओ ह्यूम भी कहा जाता है, ठीक है, ए ओ ह्यूम, ठीक है, और ये चूंकि एक अंग्रेज थे, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का आइडिया उस वक्त का जो वायसराय था, ठीक है, उस वक्त का वायसराय था लॉर्ड डफरिन, उसने आइडिया दिया था और स्थापक था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, 1885 में, ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी, याद रखिएगा, और ये मुंबई में हुआ था इसका पहला सेशन, उमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, बैनर्जी। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, अब जो पहला सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट का मैंने नाम बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन वो जो सेशन हुआ वो कहां पर हुआ था, जगह का नाम क्या था, तो जगह का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, कॉलेज ऑफ बॉम्बे, उस वक्त मुंबई नहीं था, उस वक्त बॉम्बे ही इसको कहा जाता था, ठीक है, मुंबई तो बाद में बना है, पहले इसका नाम बॉम्बे ही था, और बॉम्बे का मतलब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को मिलाकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, पहला वाइसरॉय भारत का कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि 1857 रिवॉल्व के वक्त उस वक्त का
गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग होगा। और क्या बोलते हैं, 1857 1858 में जब क्वींस प्रोक्लेमेशन आया, उसके बाद गवर्नर जनरल को ही लॉर्ड कैनिंग, मतलब गवर्नर जनरल को ही वाइसरॉय कहा गया, और उस वक्त के जो पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग बने, ठीक है, या भारत के जो पहले वाइसरॉय बने, जो आजाद भारत नहीं है, डिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। अगर सवाल आए कि डिपेंडेंट इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, डिपेंडेंट मतलब जो अंग्रेजों पे डिपेंड था, ठीक है। और इंडिपेंडेंट का पहला वाइसरॉय अगर पूछे तो लॉर्ड माउंट बैटन कहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ द सीपीएम 1880? अगेन मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे, यानी सेपियर म्यूटिनी, यानी उस वक्त जो 1857 का रिवॉल्व जो हो रहा था, तो उसके पहले शहीद कौन थे, ठीक है, सबसे पहले कौन शहीद हुए, तो सबसे पहले जो शहीद हुए वो थे मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 7, हु टर्म द ग्रेट रिवॉल्ट एज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वो लाइक ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कि 1857 में हुआ था, मतलब ग्रेट रिवॉल्ट जो कि 1857 में हुआ था, उसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम किसने दिया? तो उसको नाम दिया है विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है, जिसको वीडी सावरकर भी कहा जाता है, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ वो आजादी का पहला जंग था, ठीक है, भारत की आजादी के लिए पहला जंग था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का किताब किसने लिखा है, मतलब इस नाम की किताब किसने लिखी है? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर व्हेन वाज द क्वींस प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर्ड? 1858 में, पता ही होगा, ठीक है, 1858 एडी में क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, 1858 एडी में। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज नोन एज द राष्ट्र गुरु? राष्ट्र गुरु किसे कहा जाता है? तो वो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इज कॉल्ड राष्ट्र गुरु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम टू पेंटर्स ऑफ द बंगाल रिनाइजेंस पीरियड? जब बंगाल्स में रिनाइजेंस यानी जो नए नए रास्ते खुल रहे थे, नए नए आइडियाज उस वक्त आ रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त के दो पेंटर्स का आपको नाम बताना है। तो एक तो हो गए अबानिंदर, अच्छा ये पेंटर्स और कार्टूनिस्ट में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना, पेंटर का बात आएगा तो अवनींद्र नाथ टैगोर, और कार्टूनिस्ट का अगर बात आएगा तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, तो अवनींद्र नाथ टैगोर एक नाम आप लोग लिख सकते हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर, और एक नाम लिख सकते हैं नंदालाल बासु, ठीक है, एंड नंदालाल बासु, ठीक है, ये दो पेंटर्स थे बंगाल रेनाइजेंस के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज पेंटर ऑफ भारत माता? भारत माता का पेंटिंग किसने किया है? तो अगेन अवनींद्र नाथ टैगोर, क्योंकि पेंटिंग का नाम हो रहा है, ठीक है, टैगोर। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कार्टूनिस्ट? गगनेंद्र नाथ टैगोर, क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द वंदे मातरम सॉन्ग? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रीफ क्वेश्चन में, ब्रीफ क्वेश्चंस, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है सारे के। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द लैंड होल्डर्स एसोसिएशन एंड इंडियन एसोसिएशन? लैंड होल्डर एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन के बीच में दो फर्क आपको बताना है, ठीक है, 2 मार्क्स का है तो दो फर्क आपको बताने से काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नोवेल आनंद मठ टू द राइज ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन द 19th सेंचुरी? ठीक है, बोल रहा है 19वीं सदी में, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने आनंद मठ लिखा था एक नॉवेल, और उसके अंदर था वंदे मातरम नाम का एक गीत, ठीक है, तो उसने क्या ऐसा काम किया, क्या रोल प्ले किया, ठीक है, नेशनलिज्म को जगाने में, यानी हर हिंदुस्तानियों के दिल में जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, यानी जो अपने देश से जो प्यार होता है, नेशनलिज्म का मतलब ही होता है कि अपने देश से प्यार करना, उसके लिए जान निछावर कर देना, तो उसमें आनंद मठ का क्या रोल था? आनंद मठ पढ़कर लोगों के दिल में नेशनलिज्म का भावना किस तरह से जागता था, यानी यूं कहना है आपको कि आनंद मठ का उसमें क्या भूमिका था, क्या रोल था, किरदार, कॉन्ट्रीब्यूशन जो कह ले, आनंद मठ ने क्या रोल निभाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
Why is the second half of the 19th century called the age of associations? बोला कि 19th century का जो second half है उसको age of associations क्यों कहते हैं? Question number 4. With what objective was the landholder society founded? Landholder society बनाने के पीछे कारण क्या क्या था, मकसद क्या थे, objectives क्या थे? Question number 5. What was the main characteristics of the revolt of 1857? 1857 revolt का main cause, characteristics आपको बताना है, खासियत, ठीक है, characteristics सब बताना है. Question number 6. Who organized Hindu Mela and when? Hindu Mela मतलब उसका organized कब किया गया था और किसने किया था? Question number 7. Why is the Great Mutiny of 1857 called the mass movement? 1857 का जो revolt हुआ था, ठीक है, उसको मास मूवमेंट क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग भारत माता बाय अभनिंद्रनाथ टैगोर. अभनिंद्रनाथ टैगोर ने उस जमाने में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था भारत माता, उसके बारे में आपको कुछ बताना है, ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है. और 2 मार्क्स करके है इसलिए 2 मार्क्स जितने ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा कहानी लिख दिया, ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ये 4 मार्क्स करके आता है. क्वेश्चन नंबर 1. Analyze the characteristics of the Great Revolt of 1857. अब characteristics बताना है. अभी मैंने 2 marks में इसका आपको बताया था कि 2 marks में आ सकता है, ये 4 marks में भी आने का इसका chances है. Question number 2. Write a short note on Bankim Chandra's nationalist literature with emphasis on Anand Math. बोल रहा है बंकिम चंद्र ने जितने भी nationalist literature लिखा है, ठीक है, nationalist literature का मतलब होता है कि ऐसा literature, ठीक है, यानी ऐसा कुछ लिखा हो जिसको पढ़ने के बाद दिल में नेशनलिज्म का भावना पैदा हो, ठीक है. नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी भावना है जो ये कहता है कि आप पहले कुछ नहीं हो, ठीक है, आपसे पहले आपका देश है, आपका कंट्री है, वो होता है नेशनलिज्म का भावना. तो नेशनलिस्ट लिटरेचर बंकिम चंद्र चटर्जी का नेशनलिस्ट लिटरेचर के बारे में लिखना है, लेकिन जो एम्फेसिस देना है, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, यानी ज्यादा जो अच्छी तरह से जिसके बारे में आपको लिखना है वो है आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम नाम का गीत भी उसी के अंदर दर्ज है, ठीक है. तो बेसिकली जो आनंद मठ है उस पर ज्यादा जोर देकर बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नेशनलिस्ट लिटरेचर के बारे में आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 3. एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन. बोला क्वींस प्रोक्लेमेशन का जब आया था तो कब आया था, क्या हुआ था, उसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एजुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द ग्रेट रिवॉल्ट 1857. बोला जब ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 चलाया जा रहा था तो जाहिर है वो बंगाल में भी हो रहा था, तो जब बंगाल में वो जब लड़ाई हो रही थी 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसमें जो बंगाली सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, जो तालीम याफ्ता जो समाज थे, उनका क्या रवैया रहा इस लड़ाई के पीछे, क्या इस लड़ाई को लेकर उनकी विचार क्या थे, उनके कमेंट्स क्या क्या थे, वो आपको बताना है, ठीक है. व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एजुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई इज द बंगा भाषा प्रकाशिका सभा रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. बंगा भाषा प्रकाशिका सभा को क्यों माना जाता है फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? क्या उससे पहले कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके बाद बना है, ठीक है ना? तो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा को पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कंसीडर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6. राइट अ नोट ऑन जमींदारी सभा. जमींदारी सभा के बारे में आपको लिखना है. अब हम लोग आ जाते हैं एक्सप्लेनेटरी आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ये 8 मार्क्स करके आता है. क्वेश्चन नंबर 1. एनालाइज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. 1857 रिवॉल्ट का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वाज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप इन लिटरेचर एंड आर्ट. बोला उस वक्त का जितना भी लिटरेचर और आर्ट, आर्ट में आप पेंटिंग भी ले सकते हैं, कार्टून भी आप ले सकते हो, ठीक है, और लिटरेचर में जो लिखावट जो होता है उसको आपको लेना है, ठीक है. तो लिटरेचर में आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आर्ट में आप अभनिंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर का जो उनका जो आर्ट था, यानी पेंटिंग बनाना या कार्टून बनाना, ठीक है, वो सब भी तो नेशनलिज्म का भावना को जगा रहा था उस वक्त. तो हाउ वॉज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलपिंग लिटरेचर एंड आर्ट. लिटरेचर और आर्ट में नेशनलिज्म की भावना किस तरह से डेवलप हो रही थी वो आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड रविंद्रनाथ इन हिज नॉवेल गोरा इंस्टिल द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म.
बोल रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था गोरा, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद किस तरह से जो देश के प्रति जो प्यार था, मोहब्बत था, ठीक है, यानी पैट्रियोटिज्म की भावना किस तरह से उसमें जाग रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताना है। राइट अबाउट द अचीवमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ने क्या अचीवमेंट्स किया था, खास काम उनका क्या था, ठीक है, मेन अचीवमेंट्स उनका क्या क्या था इंडियन एसोसिएशन का, वो आपको बताना है। तो ये था हमारा हिस्ट्री चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इसमें से बहुत सारा ऐसा होगा जो आप लोगों ने पहले से पढ़ के रखा होगा, तो जो नहीं पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और शुभकामनाएं आपके साथ हैं, अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।